नमस्कार गंजम समाचार को स्वागत करुछी मुरस्मिता सुनतुवा जीरो पाणीपाक सूचना आज 4 नवंबर पिछले 24 घंटा में उड़ीसा का एक कोरापुट डिस्ट्रिक्ट में एक दो जगह में हल्का बारिश हुआ है। नंदापुर 2.2 मिलीमीटर हाइस्ट है और बाकी सभी डिस्ट्रिक्ट में ऑलमोस्ट ड्राई का सूखा हो गया था। लोएस्ट टेम्परेचर ऑब्जर्व हुआ है सोनपुर में 15.8 डिग्री सेंटीग्रेड। साउथ उड़ीसा का डिस्ट्रिक्ट में मेनी प्लेसेस में ही आपका अबव नॉर्मल टेम्परेचर है, मिनिमम टेम्परेचर और नाइट टेम्परेचर। नॉर्थ उड़ीसा में नियर नॉर्मल का आसपास ही है। अभी हमारा इस अगला 5 दिन के लिए जो फोरकास्ट व पूर्वानुमान है उसमें अगला 5 दिन में पहले दिन और सेकेंड दिन हमारा कोरापुट मालकानगिरी एक एक्सट्रीम साउथ इंटीरियर का डिस्ट्रिक्ट में एक दो जगह में बारिश हो सकता है, बाकी अदर डिस्ट्रिक्ट में सभी जगह में सूखा व ड्राई वेदर रहने का चांसेस है। तो पहले दिन हमारा जो आज नेक्स्ट 24 आवर्स में मालकानगिरी कोरापुट रायगढ़ गजपति गंजाम कंधमाल सब डिस्ट्रिक्ट का अंदर में एक दो जगह में हल्का से मध्यम बारिश हो सकता है। 24 आवर्स का बाद भी कल भी मालकानगिरी कोरापुट गजपति गंजाम ये 4 डिस्ट्रिक्ट का अंदर में एक दो जगह में हल्का से मध्यम बारिश हो सकता है, बाकी सभी अदर डिस्ट्रिक्ट में बाकी सभी डिस्ट्रिक्ट में ड्राई वेदर रहेगा। डे 3 से सभी डिस्ट्रिक्ट में ड्राई व सूखा वेदर रहने का चांसेस है। अभी मिनिमम टेम्परेचर व नाइट टेम्परेचर का जो फोरकास्ट है इसमें हमारा मिनिमम टेम्परेचर व नाइट टेम्परेचर आज से नेक्स्ट 24 आवर्स से अगला 3-4 दिन में ग्रेजुअली 3-5 डिग्रीज फॉल होने का चांसेस है। मीन्स डे बाय डे एक दो डिग्री करके फॉलो करके 3-4 दिन में 3-5 डिग्रीज इन द रेंज में फॉल होने का चांसेस है। इनिशियली अभी नॉर्थ वेस्ट उड़ीसा का पोर्शन से फॉल स्टार्ट होगा, फिर धीरे धीरे साउथ उड़ीसा में फॉल होगा अगला 3-4 दिन में। टोटली 3-5 डिग्रीज फॉल होने का चांसेस है। भुवनेश्वर सिटी में पिछले 24 आज हमारा जो मिनिमम टेम्परेचर रिकॉर्ड हुआ है वो 23.1, कटक में 21.5। तो इसमें हमारा अगला 24 आवर्स में भुवनेश्वर कटक सिटी एरिया में पार्टली क्लाउडी स्काई, मिनिमम टेम्परेचर 22 का आसपास भुवनेश्वर सिटी एरिया में, कटक में 21 का आसपास होने का चांसेस है। आज खबर को यही रखु। नमस्कार।